हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्डविन गेमिंग का जो लैन वेंचर है उसके वीक 3 के क्वालिफायर स्टार्ट हो चुके हैं। तो व्हाटएवर से हम डे 1 की बारे में हमने जो प्रिडिक्शन की थी वो देख लेते हैं, कितनी प्रिडिक्शन हमारी सही हुई और कितनी प्रिडिक्शन हमारी गलत हुई। तो फटाफट से हमने जो आज के लिए प्रिडिक्शन की थी वो देख लेते हैं। तो हमारी दो ही प्रिडिक्शन गलत हुई और एक प्रिडिक्शन सही हुई। तो फटाफट से हम अपने आपको दो चार मार लेते हैं। तो फटाफट से मैचेस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट मैच हुआ था हाइडेंगल में और ग्रुप थे ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इस मैच में चिकन डिनर निकाला टीम ओरंगुटान ईस्ट कोस्ट ने विद द टोटल ऑफ 27 पॉइंट्स के साथ बहुत ही बढ़िया खेला और 12 फिनिशिंग पॉइंट्स के बहुत ही बढ़िया खेला ओरंगुटान ईस्ट कोस्ट ने। और इस मैच का एमवीपी थे ओआर कैप्टन की विद द टोटल ऑफ 4 फिनिशिंग पॉइंट्स के साथ। तो सेकंड मैच के हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड मैच हुआ था म्यांमार में और ग्रुप थे ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इस बार चिकन डिनर निकाला टीम चेमन ईस्ट कोस्ट ने विद द टोटल ऑफ 27 पॉइंट्स के साथ, उसमें से 12 फिनिश पॉइंट बहुत ही बढ़िया खेला चेमन ईस्ट कोस्ट ने। और इस मैच के एमवीपी थे चेमन ईस्ट कोस्ट के डेस्ट्रो विद द टोटल ऑफ 5 फिनिश पॉइंट के साथ, बहुत ही बढ़िया खेला डेस्ट्रो ने। बात कर लेते हैं। तो थर्ड मैच हुआ था सैनोक में और ग्रुप थे ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो इस मैच में चिकन डिनर निकला फिर से टीम ओरंगुटान ईस्ट कोस्ट ने विद द टोटल ऑफ 22 पॉइंट्स के साथ, बहुत ही बढ़िया खेला ओरंगुटान ईस्ट कोस्ट ने। आज के दिन में दो चिकन डिनर निकाले। और इस मैच के एमवीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच के एमवीपी है 7 के सारन विद द टोटल ऑफ 5 फिनिशेस पॉइंट के साथ। तो फटाफट से ओवरऑल स्टैंडिंग के ऊपर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं ओरंगुटान ईस्ट कोस्ट विद द टोटल ऑफ 50 पॉइंट के साथ, और सेकंड पोजीशन पे आते हैं चेमन ईस्ट कोस्ट विद द 39 पॉइंट्स के साथ, और थर्ड पे आती है टीम ओआर ईस्ट कोस्ट विद द 29 पॉइंट्स के साथ। बाकी की पोजीशनिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डे 2 के लिए प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो हम तीन प्रिडिक्शन करेंगे। तो फटाफट से प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिडिक्शन हमारी ये है कि कल के तीन मैच है तो एक ना एक मैच में टीम सोल जरूर चिकन डिनर निकालेगी, हमारी प्रिडिक्शन है। और सेकंड प्रिडिक्शन हमारी ये है कि गॉड लाइक के जॉनथन एक ना एक मैच में जरूर एमवीपी आएंगे, हमारी प्रिडिक्शन है। और थर्ड प्रिडिक्शन हमारी ये है कि कल के दिन के बाद मोस्ट फिनिशेस बाय टीम होगी टीम सोल या टीम चेमन ईस्ट कोस्ट। तो देखेंगे कितने हमारी प्रिडिक्शन सही होती है।